मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम फ्रॉम पुणे। तो ये है मेरे दादी का घर और जीव देखिए क्या कर रही है। जीव जब से आई है तब से सिर्फ अपने शूज से खेल रही है। अभी उसका नाश्ता वास्ता सब हो गया, अब उसको नहलाऊंगी, फिर मैं मेरे घर जाऊंगी, तब आपको मेरा घर दिखाऊंगी। पुणे आ गए हैं तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आज है गुरुवार और हम पूजा करते हैं विष्णु भगवान की। जीव हमेशा मेरे गोद पे ही रहती है जब भी मैं पूजा करता हूँ, बट आज वो नहीं है, आज वो पुणे गई हुई है। तो अब हम ऐसे ही, मतलब उसके बिना अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट पूजा तो करनी ही है। तो बट यहाँ से मैं जीव को टीका लगाऊंगा डिस्टली मैं उसको टीका लगाऊंगा और वो भी बड़ी खुश होती है। अभी वो चाबी देने के लिए आ रहा है, फिर ऊपर चलेंगे। जी मस हो गया। तो जी मैं आ गई हूँ मेरे घर पे, ये मेरा घर है, पूरा घर आपको दिखाऊंगी बाद में। पर अभी जीव को बहुत भूख लगी थी तो उसके लिए मैंने दाल खिचड़ी ऑर्डर किया था, और मेरा मूड बहुत ख़राब था क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो मेरा मूड सही करने के लिए मैंने अपने आप के लिए ऑर्डर किया है मोमोज। दो प्लेट किया मैं, दो मैंने रात में भी खाना नहीं खाया था, सुबह में भी ब्रेड बस खाया था, मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैंने सारा काम किया है इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रखी है। तो अभी मैं पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं बाकी सफाई करूंगी भी। दो रूम हुआ है, दो और बाकी है। आइए मैं आपको सबसे पहले घर दिखाती हूँ। तो ये है हमारा लिविंग एरिया। ऐसे रो रहा है जियो के, चलो या देखिए कहाँ खड़े होकर रो रहा है ये। ये मेरा स्टडी टेबल था, इसके ऊपर मैं बैठ के पढ़ाई करती थी। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, चिमड़ा मेरा फेवरेट आदमी, ये छोटा सा आदमी था। और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पर मैं रेडी होती थी, और आज जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। घर रेंट से हो और आप दूसरे स्टेट में हो, और आने के बाद अगर आप सामान ढूंढने की कोशिश करो तो कुछ नहीं मिलता है। मैं सब भूल गई हूँ कि सामान मैंने कहाँ क्या रखा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो वैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यार इतना सारा सामान ऐसे मैं रख कर गई हूँ, मुझे बिल्कुल ही भूल गया था। मतलब क्या बताएं, सामान भूल जाता है यार। मैं निकल गई हूँ इकड़े लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सारे घर की साफ सफाई कर ली। अब मैं जा रही हूँ दादी के घर, भी पहुँचती हूँ वहाँ पे। बहुत थकान हो गई है, प्रियल का भी आज बर्थडे है तो मनाएंगे बर्थडे, और फिर आज जल्दी सो जाऊँगी। जिम्मू यहाँ खड़ा है, देख रहा है सब कुछ, वो उसको रिक्शा में अच्छा लगता है, शी एंजॉयस इन रिक्शा राइड्स। ये पिंपरी का मार्केट है, यहाँ पे कोई सीज़न हो कुछ भी हो, मतलब इतना ही यहाँ पे रोशनी रहती है और इतना ही चकाचौंध और भीड़, ये सब यहाँ पे नॉर्मली रहता है। ये मेरा कॉलेज है, यहीं पे मेरे मम्मी पापा भी पढ़े हैं और मैं भी पढ़ी हूँ। कमिंग जियो इज कमिंग, हु इज कमिंग, जियो इज कमिंग, है बक जियो। कितना प्यारा है, अरे जिमुड़ू मेमुड़ू मेरा कितना।
हम लोग कहाँ पर आए हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल, शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल। कौन है ये? चिंबू टिंबू है का? चिंबू टिंबू है का? देख जीव जीव, ये देख जीव। ए जीव, कैसी है तू? ए बाबूड़ी, ए शुको, तेरे को कोई बना नहीं सकता ना, बुद्धू नहीं बना सकता ना। तो बर्थडे मन गया है, जीव सो रही है और मैं दादी के रूम पे हूँ। दादी इस वक्त घर में नहीं है क्योंकि वो बड़ी बुआ जो मेरी है उनके वहाँ गई है, वो कल आने वाली है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये बेड थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो जियो कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैंने गद्दा जो है उसको नीचे बिछा दिया है। और मैं इतनी थकी हुई हूँ, मैं रात में पूरी रात में सोई नहीं हूँ, फिर दिन में भी मैंने पूरी घर की साफ़ सफ़ाई करी है, उसके बाद भी मुझे अभी नींद नहीं आ रही है क्योंकि प्लेस चेंज हो जाती है और आदत हो गई है। मतलब 2 साल से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि टकोर नहीं है मेरे साथ में या मम्मी नहीं है मेरे साथ में, तो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि दोनों लोग मेरे साथ नहीं हैं। सो आई एम मिसिंग देम वेरी बैडली। और आपका घर जब होता है तो आप एक कम्फर्ट जोन में होते हो, तो उसके बाहर जब आप निकलते हो, भले ये भी अपना ही घर है लेकिन मतलब अपने लोगों की इतनी आदत हो जाती है तो बहुत अलग लगता है। बट हो गया, कुछ काम से आए हैं तो चीज़ें थोड़ी सी वैसी होंगी। और आज सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये हुई कि मेरा जो चार्जर है वो यहाँ किसी भी स्विच पे लग ही नहीं रहा था, तो मतलब दादी के घर में कहीं किसी भी स्विच में नहीं आ रहा था वो। तो जब मैं अपने घर गई थी वहाँ पे मैंने थोड़ा सा वहाँ चार्ज कर लिया था, और वहाँ से आने के बाद यहाँ पे अभी रास्ते में मैंने एक अलग से अडेप्टर लिया है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो अब चार्ज हो रहा है फ़ोन। तो इसीलिए मैं पूरे दिन में ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई हूँ क्योंकि चार्ज ही नहीं था फ़ोन, और ऐसा था कि बाहर है हम तो कॉल्स के लिए और इम्पोर्टेंट मैसेजेस के लिए मुझे बैटरी सेव करनी थी। बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी चार्ज भी हो रहा है फ़ोन और सब कुछ बढ़िया है। तो और अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, अभी सब लोग खाना भी ना खा के बात बात करके भी उठे हैं, अभी जाते हैं सोने सोते हैं। कल भी जाना है, फिर एक रूम बचा है उसकी सफाई भी करनी है। देखूंगी अगर कोई मेड मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर मुझे करना पड़ेगा, तो वो करूँगी और फिर देखते हैं क्या कैसा होता है। क्योंकि लोग मिलने आएंगे तो उसके हिसाब से टाइमिंग्स के हिसाब से ही सब प्लान्स होंगे। ब्लॉग को करते हैं एंड, कल मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।